यूपी में समाजवादी पार्टी का लोकतंत्र बचाओ समग्र क्रांति साइकिल यात्रा जयप्रकाश नारायण के गांव जयप्रकाश नगर से शुरू हुई। ये लोकतंत्र बचाओ समग्र साइकिल यात्रा जयप्रकाश नगर से जनेश्वर मिश्र पार्क तक जाएगी। इस साइकिल यात्रा को नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने रवाना किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने दावा किया कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है और देश में अघोषित इमरजेंसी के हालात हैं। इसलिए जयप्रकाश के पैतृक गांव से इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये साइकिल यात्रा शुरू की गई है। पार्टी के केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा देश में अघोषित इमरजेंसी का माहौल बना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाई जा रही है, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, महंगाई चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार समर्थन, हमारी बेटी बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं, रोज बलात्कार हो रहा है, किसान अब तक क्या कर रहा है, उसके उपज का मूल्य नहीं देता, इसी को देखते हुए प्रदेश में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर एक प्रदेश के हर कोने में साइकिल यात्रा निकल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की इस साइकिल यात्रा को फ्लॉप बताते हुए बेरिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह का दावा है कि ये साइकिल यात्रा नहीं बल्कि सपा का राजनीतिक शव यात्रा है। मोदी के आगे साइकिल और हाथी कहीं दिखने वाले नहीं है। ये साइकिल यात्रा और पद यात्रा नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का राजनीतिक जो है शव यात्रा था। और मान के चलिएगा कि इसके बाद मोदी और योगी के चरित्र के सामने साइकिल नहीं, साइकिल और हाथी नहीं, चरित्र टिकेगा। तो हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा निकाल रही है और प्रदेश सरकार के खिलाफ नौजवानों को आह्वान किया जा रहा है। मैं पढ़ा था 1975 में, तो कैसे उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था और किस तरह से संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने क्रांति का, संपूर्ण क्रांति का आह्वान करके छात्रों को, नौजवानों को एक करके और उन्होंने एक करके एक आंदोलन और एक मूवमेंट किया था। आज वही माहौल अघोषित आपातकाल का माहौल इस देश में और इस प्रदेश में हो गया है। और इस साइकिल यात्रा में काफी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे।